हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज का डिज़ाइन बनाते हैं। आज का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं और इसका एक छोटा सा हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे लेकर और 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने होंगे। यहाँ पर हमने 11 के मल्टीपल में 22 और 4 फंदे एक्स्ट्रा, तो टोटल हमने यहाँ पर 26 फंदे डाले हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी फर्स्ट रो। और बनाने से पहले एक बात और, जब भी आप इस डिज़ाइन को किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाएं, तो जैसे कि आपको 90 फंदे लेने हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप वहाँ पर 100 फंदे लें। हमेशा इस प्रोजेक्ट के लिए आप 10 फंदे एक्स्ट्रा लें, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी है, थोड़े फंदे इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आप 10 फंदे एक्स्ट्रा ले लें जितने भी आप लेना चाहते हैं उससे। तो चलिए बनाते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है, एक फंदा सीधा पहले वाला धागा करेंगे अपनी साइड और दो फंदे उल्टे। देखिए, एक फंदा हमने सीधा बनाया, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये इसकी सीधी साइड है फ्रेंड्स, ये देखिए, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे सीधे बुन लिए, सॉरी यहाँ पर 2 उल्टे 9 सीधे। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा। ये देखिए, पहले वाला फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। ये देखिए, सीधी साइड से इसकी फर्स्ट रो हमने बना ली है। अब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे, पहले वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए उल्टी साइड से, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब देखिए, इस तरह से धागा लपेट कर बुनेंगे हम 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। ये 9 फंदे हमने जो सीधी साइड से सीधे बुने थे, इनमें से 3 फंदे तो हमने इस तरह से सीधे बुन लिए और 6 फंदे हमने धागा लपेट कर बुने। धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे उल्टी साइड से, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, 3 फंदे हम इस तरह से बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए, 6 फंदे हम इस तरह से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे और फिर धागा अपनी साइड करके फंदा उल्टा। ये देखिए, सेकंड रो इसकी हमने कंप्लीट कर ली। अब इसकी थर्ड रो बनाएंगे, एक फंदा इसको ऐसे उतार ले चाहे उन ले, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब जो 3 6 फंदे हैं इनको हम इस तरह से उतार लेंगे, इनका जो धागा लपेटा है उसको उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब जो पीछे के 3 फंदे हैं इनको हमें आगे लेकर आना है इनके ऊपर से। ये देखिए, ये 3 फंदे छोड़ देंगे शुरू के, और जो चौथा फंदा है इसको हम इस तरह से देखिए ऊपर से लेकर आएंगे, 1 2
और ये तीन तीन फंदे हमने तीन फंदों के ऊपर से उतार लिए। ये देखिए इस तरह से। अब ये फंदे भी वापस लेंगे, ये छह फंदे हो गए हमारे पास। अब इनको एक एक करके हम बुन लेंगे, सीधा ही बुनेंगे। एक देखिए, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। देखिए ये छः फंदे हमने बुन लिए। अब ये तीन फंदे हैं, इनको हम सीधा ऐसे ही बुन लेंगे। एक, दो और ये तीन। इन नौ फंदों पर ये डिजाइन बनना है। देखिए तो नौ फंदे हम बुन चुके। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अभी लपेटे हुए फंदे आ गए, इनको फिर से हम उतार लेंगे। तीन, चार, पाँच, छः, ये देखिए। अब ये तीन फंदों के ऊपर से तीन फंदे हमें लाने हैं, तो ये जो पहले तीन फंदे इनको छोड़ देंगे और चौथे वाला फंदा हम इस तरह से देखिए लेकर आएंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदे आ गए। अभी तीन फंदे भी हम वापस सिलाई में ले लेंगे और इनको बुन लेंगे, छः के छः फंदे को। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखिए अब ये तीन फंदे बुन लेंगे। एक, दो, तीन। तो ये नौ के नौ फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा। ये देखिए अब हम इसकी उल्टी साइड पर आएंगे। अब देखिए उल्टी साइड पर क्या करना है, फिर से हमें धागा लपेटना है। तो धागा अब की बार हम इन पर लपेटेंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदे तो ये हैं और तीन फंदे इनमें से, तो इन छः फंदों पर हम धागा लपेटेंगे। दो फंदे सीधे उल्टी साइड से, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। पहले तो हमने तीन फंदे सिंगल ऐसे ही बुने थे, फिर धागा लपेटा था। अब की बार हम पहले धागा लपेटेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। ये छः फंदों पर हमने धागा लपेट लिया। अब ये तीन फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। एक, दो, तीन। धागा पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, तो छह फंदों पर हम फिर से धागा लपेटेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। और तीन फंदे लास्ट के हम ऐसे ही बुन लेंगे। एक, दो, तीन। धागा पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी साइड करके लास्ट वाला फंदा उल्टा। ये देखिए अब इसकी सीधी साइड पर है। अब देखिए सीधी साइड से, ये देखिए पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे। एक, दो, धागा पीछे करेंगे। तो ये तीन फंदे तो ये देखिए हमें ऐसे ही बुनने हैं। एक, दो, तीन, ये फंदे बुन लिए। अब ये छह फंदे हैं लपेटे हुए, इनको हम उतार लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। इनको हम वापस सिलाई में लेंगे। देखिए पहले तो हमने इस साइड के फंदे लिए थे, इस साइड को उतारे थे। अब हम इस साइड के फंदे लेंगे, इस साइड को उतारेंगे। हमें डायरेक्शन चेंज करना है हर बार। तो ये तीन फंदे हैं, इनके ऊपर से हम ये तीन फंदे लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से साथ साथ इनको हम बुन लेंगे। ये देखिए
ये फंदा तो हमने बुन लिया, अब ये सेकंड फंदा इस तरह से उतारेंगे, इसको बुन लेंगे और ये थर्ड वाला फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। ये तीनों फंदे ये बुन लिए, अब तीन फंदे ये बुन लेंगे, एक दो तीन, ये देखिए छः के छः फंदे हो गए। दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, एक दो, फिर धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे, एक दो तीन। अब ये छः फंदे आ गए, इनको हम जो लपेट रखे हैं धागे उतार लेंगे और फिर से वापस इनको इसी सिलाई में ले लेंगे। अब देखिए फिर से वही, पहले हमने इस साइड को फंदे उतारे थे, अब हम इस साइड को उतारेंगे। तो ये तीन फंदे हैं, इनके ऊपर से हम फंदे उतारेंगे। ये पहला फंदा उतार लिया, इस तरह बुन लेंगे, दूसरा उतार लिया, इसको बुन लेंगे, और अब ये तीसरे वाले को, ये तीन फंदे बुन लिए, अब ये तीन फंदे हैं इनको भी बुन लेंगे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अब इसके उल्टी साइड पर है, ये देखिए हमें बार बार वही रिपीट करना है, जैसे यहाँ पर ये सीधे फंदे दिख रहे हैं, तो अब की बार हम इन पर तीन पर लपेटेंगे, तीन इधर से और तीन ये, स्टार्टिंग के तीन फंदे हम नहीं लपेटेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें देख लेना है, अब इसकी उल्टी साइड पर है, पहला फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, ये देखिए यहाँ पर इन पर हमें नहीं लपेटना है, एक दो तीन, तीन फंदे तो हम ऐसे बुन लेंगे। अब ये छह फंदे हैं हमारे पास के ऊपर से हम धागा लपेट देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदों पर हमने लपेट दिया, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे, एक दो तीन, तीन तो हमने ऐसे ही बुन लिए, और छः फंदे हम धागा लपेट कर बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट वाला फंदा उल्टा। ये देखिए अब हम फिर से इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, फंदे पलटने वाला। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब ये फंदे हम उतार लेंगे, देखिए धागा है जो, इसको उतार लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए अब ये तीन फंदे हम इस साइड को लेकर आएंगे, तो ये पहले तीन फंदे छोड़ देंगे और ये चौथे वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से लेंगे, एक दो तीन, ये देखिए अब ये तीन फंदे भी वापस ले लेंगे और यहाँ से इनको हम बुन लेंगे, छः के छः फंदे हम बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये तीन फंदे हम बुन लेंगे ऐसे, एक दो तीन। ये देखिए एक बार हमें इस साइड को फंदे पलटने हैं, फिर इस साइड को, फिर इस साइड को, देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। दो फंदे उल्टे धागा पीछे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के छः फंदे हम वापस देखिए इसी सिलाई में रखेंगे और ये चौथे वाला फंदा है, तीन फंदों के ऊपर से उतार लेंगे, एक दो तीन, और ये तीन फंदे हैं
अब हम इनको बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बुन लिए। अभी तीन फंदे भी बुन लेंगे, एक दो तीन, ये नौ के नौ फंदे हो गए। धागा अपनी साइड लेकर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा डिजाइन को, थोड़ा सा और बनाते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, ये देखिए ये देखिए, किसी भी कलर में इसको आप डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।